अब आप यहाँ पर सिचुएशन समझिए कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, डेली आपके पास हजारों जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेटेड होंगे, यानी बहुत सारे लोग एक ही जैसी बात कर रहे होंगे, किसी चीज़ का प्राइस पूछ रहे होंगे या आपसे डिलीवरी के बारे में पूछ रहे होंगे, शिपमेंट चार्जेस के बारे में पूछ रहे होंगे, मतलब कुछ उनके कॉमन क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे में जब इतने सारे हमारे पास कस्टमर्स हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस पर हम क्विक रिप्लाईज सेट कर सकते हैं, जिससे कि एक ही क्लिक से हम उनके रिलेवेंट क्वेश्चन का रिप्लाई उन्हें बहुत ही क्विकली दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कुछ क्विक रिप्लाईज सेट करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस पर क्विक रिप्लाईज सेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूबटेक चैनल। सो ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल चल रहा है व्हाट्सएप बिजनेस का। अगर आपने एक भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, सारी वीडियोस देखिए। एंड और भी इसी तरह के हम इंपॉर्टेंट कोर्सेज, फ्री कोर्सेज आपके लिए लाते रहते हैं, तो मेक श्योर करें कि WS क्यूबटेक को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी से उठाइए अपना फोन एंड व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस पर हम आ चुके हैं। यहां पर आपको इन 3 डॉट्स पर करना है क्लिक और यहां से आपको जाना है बिजनेस टूल्स पर। जैसे ही आप बिजनेस टूल्स पर जाओगे, आप मैसेजिंग वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहां पर ये क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन है। क्विक रिप्लाईज पर हम सेलेक्ट करेंगे तो अब यहां पर आपको काफी सारे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप कैसे क्विक रिप्लाईज जो है शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर ऑलरेडी सेट है, जैसे कि अगर आपको किसी ने थैंक्स रिप्लाई दिया है, ठीक है, तो आप उसको ये रिप्लाई करेंगे, दैट इज थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक आपको ऐड करके बता देती हूँ। ऐसे हम कई सारे जो हैं क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको जो है सेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर एक कोई ऐसा वर्ड जो कि आपके जो पर्सन है उसके मैसेज में होगा तो आप उसको क्या रिप्लाई दोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने अगर आपसे डिलीवरी चार्जेस के बारे में पूछा है, ठीक है, लेट्स से अगर किसी पर्सन ने आपसे पूछा है डिलीवरी चार्जेस के बारे में, ठीक है, या फिर लेट्स से डिलीवरी के बारे में पूछा है, तो मैंने यहाँ पर डिलीवरी लिख दिया। अब रिप्लाई क्या होगा, जब भी रिप्लाई डिलीवरी की मैं बात कर रही हूँ तो कुछ मैं ऐसा कस्टम रिप्लाई जो है मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कस्टम मैसेज शेयर कर दिया, दैट इज वी डिलीवर ऑल ओवर इंडिया एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी कैलकुलेटेड वंस यू प्लेस द ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कस्टम मैसेज डाल दिया है कि कोई भी पर्सन अगर डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी पूछता है, ठीक है, तो उसका जो है क्या मैसेज आना चाहिए। अब देखो डिलीवरी से रिलेटेड एक तो ये मैसेज आ सकता है कि डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, डिलीवरी क्या पूरे इंडिया में करते हो, कहाँ कहाँ डिलीवरी करते हो। ठीक है, उसी के साथ में डिलीवरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया, दैट इज वी नीड 5 to 15 days टू डिलीवर योर ऑर्डर, एंड उसके बाद में जो मैंने लिखा है डिलीवरी चार्जेस से रिलेटेड वो आ गया और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये जो सारी चीजें मैं कर रही हूँ ना, इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे कि और हमारा कस्टमर जो है हमसे पूछ सकता है लेट्स से रिटर्न के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे रिटर्न वाला जो चीज़ है उसके बारे में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, सो अब इसका भी कुछ रिप्लाई मैसेज जो है मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरह से मैसेज डाल दिया है, रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस कैन ओनली बी डन इफ़ यू रिसीव अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, और मैंने साथ में ऐड कर दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब ऐसे जैसे ये मैंने ये कुछ क्विक रिप्लाई सेट किए हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप कितने भी यहाँ पर जो है क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप एक से ज़्यादा जो है वर्ड्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरह से, मतलब जैसे डिलीवरी हो गया या फिर लेट्स से किसी पर्सन ने शिपमेंट से रिलेटेड पूछा है तो उसको भी मैं इस तरह से लगा सकती हूँ। ठीक है, जैसे डिलीवरी या फिर शिपमेंट से रिलेटेड, रिटर्न है तो रिटर्न, या फिर एक्सचेंज से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेरी की है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने जैसे ये डिलीवरी रिलेटेड यहाँ पर डाला है, वहीं अगर कोई शिपमेंट से रिलेटेड पूछता है तो उससे रिलेटेड भी मैं सेम ही मैसेज जो है मैंने पहले वाले मैसेज से कॉपी कर लिया है, उसी को ही मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। वैसे ही रिटर्न के लिए जो मैसेज है इसी को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ, एज वेल एज इसी को ही मैं एक्सचेंज के लिए डाल देती हूँ। ठीक है, कि मतलब अगर कोई एक्सचेंज से रिलेटेड पूछे तो भी उसको यही सेम मैसेज आना चाहिए जो कि मैंने रिटर्न के लिए सेट किया है।
तो इसको जल्दी से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे जो क्विक रिप्लाइज हैं वो सेट हो चुके हैं। अब एक काम करती हूँ, मैं अपना फोन उठाती हूँ, इसी सेम पर जो हमारा मैसेज है वो देखते हैं क्या ऑटोमेट होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं इसको। तो अब जैसे मैंने अपने एक फोन से जो है यहाँ पर जैसे शिपमेंट रिलेटेड कुछ पूछा है या फिर जस्ट लाइक की कोई भी हमें मैसेज आया है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर अटैचमेंट वाला ऑप्शन है इसके अंदर हमारे क्विक रिप्लाइज हैं। ठीक है, क्विक रिप्लाइज अगर आपको बहुत ही इजीली एक्सेस करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ये हैश का बटन यहाँ पर डालेंगे तो भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि शिपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन है तो इसको क्लिक किया और दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे काम जो है बहुत आसान हो गया, हर बार आपको ये बड़ा सा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से अब लेट्स से इफ आई टॉक्ड अबाउट रिटर्न अबाउट समथिंग, जैसे कि मैसेज आया आई वांट टू रिटर्न माय ऑर्डर या फिर रिटर्न से रिलेटेड एक्सचेंज से रिलेटेड, तो इसके लिए भी हमें सेम ये हम लगाएंगे हैश और रिटर्न से रिलेटेड जो हमारा मैसेज था वो हमने एक ही क्लिक में मतलब लाइक 2 ही सेकंड में हमने यहाँ पर भेज दिया है। तो क्विक रिप्लाई से ये फायदा होता है कि कुछ रिप्लाईज आपने सेट कर रखे हैं तो आपके साथ जो कस्टमर है उसको बहुत ही क्विकली जो है आंसर्स मिलते हैं, और इतने सारे जब आपको डेली के बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आपका काम भी यहाँ पर आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप बिजनेस पर क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। अब आपको अगर एक चैट बोट डेवलप करना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप API यूज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन जो है व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कभी आ जाए लेकिन अभी के लिए आपको व्हाट्सएप API यूज करना पड़ेगा जिसकी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस सीखना तो कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो और एक भी वीडियो मिस मत करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।